गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई नेम इज़ अनिरुद्ध एंड आई एम फ्रॉम आदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 3rd चल रहा है। इसकी ऑलरेडी 4 वीडियोज़ हो चुकी हैं, तो आप उनको पहले देख लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, यानी कि जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में जो स्थित धातुएँ हैं उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, यानी कि उनको कैसे प्राप्त किया जाता है। तो जैसे कि कौन कौन सी धातुएँ हैं जो मिडल में आती हैं एक्टिविटी सीरीज़ के, यानी कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातुएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि आयरन यानी कि लोहा, जिंक, लेड सीसा जिसको कहा जाता है, कॉपर यानी कि तांबा। दीज मेटल्स आर मॉडरेटली रिएक्टिव, यानी कि ये जो धातुएं होती हैं ये ना तो अधिक अभिक्रियाशील होती हैं ना ही सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं, यानी कि मध्यम स्तर की अभिक्रियाशील धातुएँ होती हैं। These are present as sulfides or carbonates in nature. अब ये किस अवस्था में उपस्थित होती हैं प्रकृति के अंदर, ये या तो सल्फाइड्स के रूप में होती हैं या फिर ये कार्बोनेट के रूप में होती हैं, ठीक है। फर्स्टली मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इंटू मेटल ऑक्साइड। अब इनका एक्सट्रैक्शन जब किया जाता है, यानी कि जब इनको प्राप्त किया जाता है, इनका निष्कर्षण जब होता है, तो इनके जो सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स होते हैं उनको सबसे पहले किस में बदला जाता है, उनको बदला जाता है मेटल ऑक्साइड्स के अंदर, यानी कि धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। दिस कैन बी डन बाय रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। अब ये जो इनके सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स हैं इनको मेटल ऑक्साइड में दो तरीके से बदला जा सकता है। पहली प्रोसेस है रोस्टिंग और दूसरी है कैल्सिनेशन। फर्स्ट है रोस्टिंग, यानी कि जिसको हिंदी में भर्जन कहा जाता है। रोस्टिंग मतलब भूनना, यानी कि भर्जन का मतलब क्या होता है, भूनना किसी चीज़ को। When sulfides of metals are heated strongly in the presence of air. अब पहली बात तो ये है कि roasting किसके साथ होती है, इन metal के sulfides के साथ, ठीक है, यानी कि ये sulfides के साथ होती है, carbonates के साथ नहीं होती है। तो इनके जो sulfides होते हैं metals के, यानी कि धातुओं के जो sulfide हैं उनको गर्म किया जाता है हवा की उपस्थिति के अंदर, यानी कि वायु की उपस्थिति में इनको बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर गर्म किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। और हवा की उपस्थिति में उनको अत्यधिक गर्म करना ही क्या कहलाता है, रोस्टिंग। यानी कि इनके जो सल्फाइड होते हैं उनको हवा की उपस्थिति के अंदर अत्यधिक गर्म किया जाता है, इसी को भर्जन कहा जाता है। एंड मेटल ऑक्साइड्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स। और जो मेटल सल्फाइड्स होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, इनके ऑक्साइड्स के अंदर। सेकेंड है कैल्सिनेशन, जिसको हिंदी में निस्तापन कहा जाता है। वेन मेटल कार्बोनेट्स आर हीटेड स्ट्रॉन्गली इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, यानी कि हमने रोस्टिंग के अंदर देखा कि जो सल्फाइड्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि वायु की उपस्थिति में। लेकिन यहाँ पे जो कैल्सिनेशन है वो पहली बात तो ये है कि कार्बोनेट्स के साथ की जाती है, ठीक है, यानी कि जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं उनके साथ कैल्सिनेशन निस्थापन किया जाता है। और दूसरी बात ये कि कार्बोनेट्स को हीट किया जाता है, यानी कि अत्यधिक गर्म किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो वायु की उपस्थिति है, यानी कि जो प्रेजेंस ऑफ एयर है वो लिमिटेड रहेगी, यानी कि सीमित वायु के अंदर इनको गर्म किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, इसी को ही निस्तापन कहा जाता है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, पहला तो ये कि ये सल्फाइड्स के साथ किया जाता है और ये कार्बोनेट्स के साथ। दूसरा, यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एयर रहता है, ठीक है, फुल सप्लाई ऑफ एयर रहता है, और यहाँ पे कैल्सिनेशन के अंदर क्या होता है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन एंड मेटल कार्बोनेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स। और इस तरह से जो कार्बोनेट्स होते हैं मेटल कार्बोनेट्स वो किस में बदल जाते हैं, ऑक्साइड्स के अंदर। एग्जांपल देखिए रोस्टिंग का, जैसे कि जिंक सल्फाइड है, ठीक है, तो सल्फाइड है तो क्या होगी, रोस्टिंग की जाएगी, ठीक है, यानी कि भर्जन इसके साथ होगा। तो जिंक सल्फाइड को प्रेजेंस ऑफ एयर के अंदर, यानी कि वायु की उपस्थिति के अंदर क्या किया जाएगा, स्ट्रॉन्गली हीट किया जाएगा, यानी कि उसको गर्म किया जाएगा, तापन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो वो किस में बदल जाते हैं, ऑक्साइड्स के अंदर, यानी कि जो जिंक सल्फाइड है वो किस में बदल जाएगा, जिंक ऑक्साइड के अंदर। कैल्सिनेशन का एग्जाम्पल देखिए, यानी कि निस्तापन का, ये किसके साथ होता है कैल्सिनेशन, मेटल कार्बोनेट्स के साथ, ठीक है। तो जैसे कि जिंक कार्बोनेट है, ठीक है, तो जिंक कार्बोनेट को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, लेकिन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के अंदर, यानी कि सीमित वायु के साथ। तो ये किस में बदल जाएगा, जिंक ऑक्साइड के अंदर, ठीक है, और प्लस साथ में क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनके ऑक्साइड्स होते हैं,
ठीक है, उनको क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, यानी कि उनके साथ अपचयन क्रिया की जाती है। अब अपचयन क्या होता है यानी कि रिडक्शन क्या होता है वो हम पहले चैप्टर के अंदर यानी कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर कर चुके हैं। व्हाट इज़ रिडक्शन, अपचयन क्या होता है, अपचयन का मतलब मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो रिडक्शन का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट से या किसी भी एटम से या मॉलिक्यूल से जब ऑक्सीजन हटती है यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का हटना ही क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे जो इनके ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड बना है, चाहे वो हमने सल्फाइड से बनाया है, चाहे हमने वो कार्बोनेट से बनाया है, ठीक है, तो वो ऑक्साइड में बदल जाते हैं। इनके जो ऑक्साइड है इनके साथ ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को हटाएंगे तो हमें प्योर मेटल प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो क्या किया जाता है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड है उसको किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ छोड़ा जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो रिडक्शन करवाए, ठीक है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, अपचायक। ठीक है, अपचायक यानी कि ये अपचायक क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को यहाँ से हटा देगा। ठीक है, यानी कि ऑक्साइड का क्या कर देगा, ये रिडक्शन कर देगा। तो मोस्टली जो कार्बन है वही एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑक्साइड होंगे मेटल ऑक्साइड उनके साथ कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाएगा, और ये कार्बन क्या करेगा, जिंक का, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन कर देगा। तो ये ऑक्सीजन जो है वो जिंक से हट जाएगी और जिंक प्राप्त हो जाता है यानी कि जिंक का एक्सट्रैक्शन हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, आज के टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।